Channel Skill Villa, and this is Simran Chaudhary. So as we all used to explore something really new on this channel and have a lot of fun, so today I'm here with you guys to do something really new. And as we all are aware that this is the month of December, and December mein Christmas hota hai. So we used to be like, hum log kafi zyada excited hote hain, khas karke bachcha party, kyunki bachcha party ko aisa rehta hai ki ha hame new dresses milenge, gifts milenge. So we used to be like kafi zyada excited. तो मेरे टाइम पे भी ऐसा होता था व्हेन आई वाज इन सेकंड ग्रेड और इवन आई गेस फ्रॉम फर्स्ट ग्रेड. तो हमें काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह मिला करते थे टू मेक सेंटा एंड क्रिसमस ट्री एज यूजुअल. अभी भी मिलते होंगे आई गेस, बट मोर ऑफ लाइक अभी तो ऑनलाइन एजुकेशन चल रहा है. बट स्टिल हमें क्या होता था ना, एक चार्ट पेपर दे दिया जाता था एंड वी यूज टू स्टिक सम पेपर, हम लोग उस पर कुछ पेस्ट करते थे ग्रीन पेपर्स एंड वी यूज टू मेक क्रिसमस ट्री. तो वो काफ़ी सही होता था, काफ़ी मज़ा आता था उस चीज़ को करने में. बट फोर्थ ग्रेड तक, फाइव ग्रेड तक सेम चीज़ें रिपीट होती रहती थी, रिपीट होती थी. तो वो थोड़ा सा बोरिंग साउंड करने लगा था आफ्टर अ टाइम, लाइक थोड़ा थोड़ा बोरिंग लगने लगा था हमें. एंड आई एम श्योर कि आप लोगों को भी ऐसे प्रोजेक्ट मिलते होंगे एंड आप लोगों के साथ भी ये सारी चीज़ें होती होंगी. सो फॉर दैट आई एम हेयर टू सॉल्व योर प्रॉब्लम. टुडे वी आर गोना मेक क्रिसमस ट्री विद समथिंग रियली न्यू. ये आइडिया काफ़ी ज़्यादा नया है एंड आई डोंट थिंक कि यूट्यूब पर पहले भी किसी ने इस चीज़ पर वीडियो बनाई होगी. सो आई मीन कि YouTube पे क्रिसमस ट्री को लेकर के वीडियो जरूर बनाई होगी, बट इस तरीके से बनाने के लिए नहीं बनाया होगा किसी ने, आई गेस सो. एंड ट्रस्ट मी गाइस, द प्रोसेस इज गोइंग टू बी रियली रियली तूफान वाला, काफ़ी ज़्यादा मजा आएगा इस चीज़ को करने में. सो विदाउट गेटिंग लेट, लेट्स गेट इनटू द वीडियो. स्टार्टिंग विद अ रियली बेसिक स्टेप, तो सबसे पहले यहाँ पे मेरे को एक कोन बनाना है. फॉर दैट आई हैव टू टेक अ मेजरमेंट. तो यहाँ पर मैंने 10 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लिया एंड देन आई हैव ड्रॉन अ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल. सो देन आई हैव टू कट इट आउट एंड आफ्टर दैट हमें इसे स्टिक करना है विद द हेल्प ऑफ ग्लू. सो यहाँ पे डिपेंड्स ऑन यू कि आप कौन सा ग्लू यूज़ करना चाहते हो, बट हेयर आई एम यूजिंग फेविकॉल. सो आफ्टर स्टिकिंग इट, इट विल लुक समथिंग लाइक दिस. एंड देन we have some pista shell, so we have to paste it out on this particular cone. And do remember guys that the paper should be thick enough so that jab us pe glue lage then wo geela na ho jaye and paper hamara fatne na lage, because mostly aisa hota hai agar hum thin sheet use kare. So yahan pe aapko kafi thick sheet use karna hai and fevicol ke instead you can use hot glue, that will be really better. बट मैंने यहाँ पे फेविकॉल यूज़ करा एंड वी आर डन विथ स्टिकिंग ऑल द पिस्ता शेल ऑन दिस एंड दिस इज़ रियली लुकिंग प्रिटी. नाउ आई एम स्प्रेडिंग सम अमाउंट ऑफ पाउडर ऑन इट सो दैट वो स्नो के जैसा लगे एंड ये पूरा फीलिंग दे रियल. एंड देन मैंने आइसक्रीम स्टिक को यहाँ पे जॉइन करके एक सर्कल के स्ट्रक्चर में अटैच किया है सो दैट आई कैन इंसर्ट इट इनसाइड एंड ये एज अ स्टैंड हेल्प करे हमें. सो क्विकली आई विल अटैच इट आउट एंड मैंने ऊपर नीचे दोनों जगह कॉटन यूज़ करा है सो दैट ये स्नो जैसा लगे. एंड ये गाइस वी आर डन विद दिस. सो दिस वॉज द फर्स्ट वे हाउ वी कैन मेक अ क्रिसमस ट्री एंड आई होप कि आप सभी को मज़ा आया होगा इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा. सो ये रहा वो फर्स्ट वाला आइडिया हमारा एंड रियली ये मेरे को बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है, बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहा है. एंड आई एम डैम श्योर कि आप में से काफ़ी लोगों के पास अभी पिस्ता के शेल्स नहीं होंगे. सो यू गाइज आर लाइक, ये तो आपने जो भी बताया है वो काफी सही है, काफी अच्छा लग रहा है, बट अभी हम पिस्ता का शेल लाएंगे कहाँ से? यू गाइज माइट बी लाइक, ऐसे हो गए आपके एक्सप्रेशन, बट आई एम हेयर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम टू. तो मेरे पास एक सेकेंड ऑप्शन है, दिस वन. सो आज हम लोग ये बना सकते हैं इंस्टेड. तो ये वाला भी मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है एंड आई डोंट नो वाई, बट इसका कलर कैमरा में दूसरा ही दिख रहा है, बट दिस इज़ रियली ग्रीन. ये काफ़ी ज़्यादा लाइट ग्रीन है शेड एंड वाइट इसके साथ कॉम्बिनेशन काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है मेरे को. आई होप कि आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा. सो विदाउट गेटिंग लेट, लेट्स नो हाउ टू मेक दिस. ओके सो हेयर वी हैव टू मेक सम टैशल, सो लेट्स क्विकली नो हाउ टू मेक अ टैशल. सो सबसे पहले आपको थ्रेड लेना है एंड धागे को आपको अपने फिंगर्स पे रोल आउट करना है.
एंड देन यू हैव टू कट इट आउट, और उसके बाद आपको एक साइड से नॉट बांधने हैं जैसा कि यहाँ पे मैं कर रही हूँ. सो यू कैन टेक द हेल्प ऑफ एनी अदर पर्सन अगर आपको ये खुद से करना डिफ़िकल्ट लग रहा है. एंड वंस यू आर डन विद टाइंग द नॉट्स, यू हैव टू कट इट आउट फ्रॉम द अदर साइड. एज यू ऑल कैन सी हियर आई एम डूइंग. And yeah guys, now you are done with making a tassel. Hooray! So, अब मेरे को ऐसे फटाफट से और भी tassels बनाने हैं ग्रीन कलर के. And let me tell you guys कि ये प्रॉपर tassel नहीं है. Tassels को प्रॉपर बनाने के लिए हमें धागे को फिर से रोल आउट करना रहता है, सो दैट कि कोई भी धागे के स्ट्रिंग को इधर उधर से खींच ना जाए एंड हमारा tassel बर्बाद ना हो जाए. बट हेयर हमें प्रॉपर tassel की ज़रूरत नहीं है, सो आई एम लीविंग दिस स्टेप. इफ़ यू वॉन्ट यू कैन डू दिस. Now you have to cut a shape of triangle from a cardboard and then have to paste all that tassels on it. So, सबसे पहले मैंने यहाँ पे green color को choose करा है at the bottom stick करने के लिए. And once I am done with green color, I will move on with white tassels. So, मैंने इसके ऊपर white tassel use करा है and again the same मैंने green white ऐसे process को लगाया है. And at the टॉप मैंने यहाँ पे प्रॉपर वाले टेस्टल को यूज़ करा है एज मैंने आपको डिफरेंस बताया था. एंड वंस आई एम डन विद दैट गाइज, हेयर आई एम स्टिकिंग सम ऑफ द आइसक्रीम स्टिक एंड इंसर्टिंग इट विद अ कार्डबोर्ड सो दैट मैं इसे स्टैंड की तरह यूज़ कर पाऊँ. एंड येस आई एम गोना जस्ट पेस्ट इट आउट हेयर. And here I have decided to paste some cotton on it so that वो पूरा snow जैसा लगे. And yeah guys, we are done with this. Yeah, this was all it. And if you are gonna recreate this, then tag me there on my Instagram ID, which is @_skillvilla_. Again, Merry Christmas to you all. See you guys there in my next video. Till then, keep going, keep muskurana. Bye bye. It is at the root. Oh no, Chris.